नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और स्वागत करता हूं आपका अपने मोटो ब्लॉग चैनल ब्लॉग्स टाइम में एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं जॉय ई बाइक के एक एजेंसी में आया हूं जिसका नाम बीएच जॉय है, जो महादेवा रोड ओपी थाना के बिल्कुल करीब है। तो आइए चलते हैं बीएच जॉय के अंदर और यहाँ मैं आपको एक बेहद पॉपुलर ई बाइक का रिव्यू देने वाला हूँ जो जॉय उल्फ का होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस एजेंसी के ओनर को जिन्होंने मुझे इस बाइक का रिव्यू देने का मौका दिया। बीएच जॉय में ई बाइक के कई वेरिएंट्स अवेलेबल हैं जहां से आप फाइनेंस करके भी कोई भी जॉय स्कूटी के मॉडल्स ले सकते हैं और वो भी बिल्कुल आसान किस्तों में। तो दोस्तों एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पेट्रोल की बढ़ती कीमत से त्रस्त हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं तो डेफिनेटली जॉय की ई बाइक आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे ताकि आपको मेरे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस स्कूटी के फ्रंट से शुरुआत की जाए तो यहाँ पे आपको डबल टोन में इसका वाइज़र देखने को मिल जाएगा, एक ऑरेंज कलर में और एक ग्रे कलर में, और इसी में आपको दोनों ही साइड से आपको टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं जो कि दोनों ही एलईडी फॉर्म में आपको मिलेंगे। और ठीक इसके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जॉय ई बाइक की ब्रांडिंग की गई है और इसके नीचे आपको एक स्टिकर फॉर्म दिया हुआ है ऑरेंज कलर का, यानी कि इसका ग्राफिक आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड में आपको हेडलाइट आपको दिया हुआ है, साथ ही इसमें आपको DRL भी देखने को मिल जाएगा। ये हेडलाइट और DRL सब आपको LED फॉर्म में मिलेंगे। इसका फ्रंट गार्ड आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा ग्रे कलर में। इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और अगर इसके व्हील की बात की जाए तो इसमें आपको 10 इंच का एलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको सीएट कंपनी की ट्यूबलेस टायर दी गई है 3.0010 साइज में। ब्रेकिंग की बात की जाए दोस्तों तो इसमें आपको फ्रंट व्हील में आपको डिस्क के ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छी बात है और साथ ही साथ इसके पीछे वाले व्हील में भी आपको डिस्क के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब दोस्तों मैं इस स्कूटी के लेफ्ट प्रोफाइल को आपको दिखाता हूं। कुछ इस तरह से आपको लेफ्ट प्रोफाइल में स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी जो कि ब्लैक पे ऑरेंज कलर का दिया गया है और यहां पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है। अगर आप मार्केट जाते हैं तो कोई सामान रखने के लिए काफ़ी अच्छा जगह मिल जाता है। और इस साइड अगर चलते हैं इसके टेल सेक्शन की ओर तो टेल सेक्शन में भी आपको उल्फ की एक ब्रांडिंग मिल जाती है स्टिकर फॉर्म में और इसके नीचे कुछ इस तरह का ग्राफिक। अब दोस्तों इसके रियर व्हील की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इसके रियर व्हील में मोटर देखने को मिल जाता है जो कि BLDC टाइप का मोटर है जो कि 250 वाट का मोटर आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इसके रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो इसमें आपको 12 एडजस्टेबल शॉक अब्जर्वर सस्पेंशन मिल जाता है जो कि हाइड्रोलिक टाइप का आपको मिलेगा। दोस्तों एक बात है कि इस बाइक में आपको जो मोटर मिलता है वो वाटरप्रूफ मोटर मिलता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पीछे वाले व्हील में भी आपको डिस्क का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। टायर की बात की जाए तो टायर भी आपको काफ़ी अच्छा वाइड टायर देखने को मिल जाता है जो कि आपको एक ट्यूबलेस फॉर्म में मिलेगा। अब दोस्तों इसके राइट साइड का भी प्रोफाइल कुछ उसी तरह का है जैसे कि लेफ्ट साइड का प्रोफाइल था। यहाँ भी आपको उल्फ की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है इसके टेल सेक्शन पे और इस तरह का ग्राफिक्स। अब यहाँ इस बाइक में मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा, बैकरेस्ट जो कि पिलियन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल साबित होगा और यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी क्रोम वर्क दी गई है जिसपे जॉय की ई बाइक की ब्रांडिंग की गई है।
और ग्रैब्रेल की बात की जाए तो ग्रैब्रेल भी कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, काफ़ी अच्छा इसका लुक भी मुझे लगा। दोस्तों इसके टेल लाइट की बात करें तो ये भी कुछ इस तरह का दिखता है, काफ़ी खूबसूरत, और ये एलईडी फॉर्म में दिया हुआ है, फुली एलईडी सेटअप में है। और यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर दे दिया गया है और यहाँ पर भी आपको एलईडी फॉर्म में एक लाइट दी गई है जो कि इस नंबर प्लेट पे फ्लैश करने के लिए दी गई है। हालांकि इसमें आपको नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, यहाँ पे किसी तरह का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये जस्ट आपको इस पे हेलमेट की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, बिना हेलमेट के भी आप इस बाइक को चला सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि इसी टेल लाइट के दोनों साइड में आपको टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि पूरी तरह से एलईडी सेटअप में है, और ये कुछ इस तरह का दिखेगा, काफ़ी स्टाइलिश लुक इसका दिख रहा है। दोस्तों अब इसके सीट की बात की जाए तो इसमें आपको सिंगल सीट देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगा, क्योंकि इसकी कुशनिंग मैंने खुद चेक किया, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है जो कि राइडर और पिलियन दोनों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल साबित होगा। दोस्तों इस बाइक के आगे वाले साइड में भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप अपने मोबाइल को रख सकते हैं और यहाँ से चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। हाँ तो दोस्तों अब मैं इस बाइक का जो स्पेसिफिकेशन है यानी कि इसका हेडलाइट कैसे ऑन होता है और इसके बाद इसमें इसके मीटर कंसोल में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको खुद यहाँ के जो इस एजेंसी के जो मालिक हैं उनसे मैं पूछ कर आपको बताता हूँ और वही खुद बताएंगे कि इस बाइक में ऐसे कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं 2022-23 मॉडल में। तो रिशु जी अब आप बताएंगे कि इस बाइक में कौन कौन से ऐसे फीचर्स दिए गए हैं इसके मीटर कंसोल में। सबसे पहले तो आप इस बाइक को स्टार्ट करके लोगों को बताएंगे कि किस तरह से इस बाइक को स्टार्ट किया जाता है और इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करेंगे। कहाँ से आपने स्टार्ट किया? यहाँ से हम स्टार्ट किए। हाँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये लाइट हो गया। यहाँ से लाइट स्टार्ट करेंगे। ये आपका डिफर है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हॉर्न दिया यहाँ पर, यहाँ पर हॉर्न है। दूसरा खासियत रिवर्स भी जाता है, यहाँ से आर टिपिएगा पीछे जाएगी गाड़ी स्लो, रिवर्स में पीछे जाएगी, और डी टिपिएगा आगे जाएगा। तो एक मिनट मैं देखना चाहूँगा, लोगों को दिखाना चाहूँगा कि रिवर्स में कैसे इसका व्हील काम करता है, जरा आप इसके रिवर्स सिस्टम को बताएंगे। देखिए जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, स्लोअर जाएगी रिवर्स में एकदम। इसमें एंटी थीप सिस्टम है तो भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, और आगे वाला से यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। यहाँ से लॉक सिस्टम दिया है, गाड़ी लॉक भी हो जाएगा जिससे चक्का आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से लॉक हो जाएगा, फिर यहाँ से लॉक खुल गया। ठीक है, दूसरा है कि आपका मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं यहाँ से, ऐसे मोबाइल भी चार्जिंग दे दिया गया है। ठीक है, दूसरा बैटरी पोर्टेबल मिलेगा, यहाँ से डिक्की से खोल सकते हैं और यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं, यहाँ से निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं, बैटरी को बाहर निकाल कर, बाहर भी निकाल कर चार्ज कर सकते हैं और गाड़ी में भी डाल कर चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसे अगर मैं बाहर भी निकाल के चार्ज करूं तो इजीली चार्ज किया जा सकता है। अच्छा, और इसके अंदर भी चार्ज किया जा सकता है। ओके, तो एक बार अगर चार्जिंग होती है तो ये बाइक कितने देर तक चल सकेगी? 100 किलोमीटर जाएगी। 100 किलोमीटर जी, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। 3 साल का बैटरी गारंटी है। ओके। 3 साल के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है उसको तुरंत रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू रिशु जी। वाटरप्रूफ मोटर दिया है। ओके, वाटरप्रूफ मोटर है, दोनों चक्का ट्यूबलेस है। ठीक है, इसका मोटर का भी गारंटी है, चार्जर का भी गारंटी है, कंट्रोलर का भी गारंटी है। ठीक है, दूसरा बात है ये सपोर्ट के लिए दिया गया है, कोई भी कस्टमर अगर बैठे तो सपोर्ट के लिए लगाया गया है। ठीक है, ये बड़ोदरा कंपनी है गुजरात की,
एक्चुअली उनका फ़ोन आ गया इसलिए वो चले गए। दोस्तों अब मैं इसके मीटर कंसोल को आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको इसका मीटर कंसोल फुली डिजिटल देखने को मिल जाता है और यहाँ पे अभी आपको जॉय ई बाइक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और ये रहा आपका टर्न इंडिकेटर जो कि दोनों साइड में आपको लेफ्ट और राइट इंडिकेटर दिया हुआ है, जो कि यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको चार्जिंग का भी इंडिकेटर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का इंडिकेटर और फिर यहाँ पे आपको मोड बदलने का इंडिकेटर। इसके बाद यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं और फिर यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर और इसके बाद स्पीडोमीटर और इसमें आपको क्लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसका हॉर्न भी काफ़ी लाउड है। अब इस बाइक की लाइटिंग भी आप देख लो किस तरह की दिखती है ऑन होने के बाद, और इसका हेडलाइट भी कुछ इस तरह का दिखता है। ज़रा आप इसके हाई बीम को ऑन कर देंगे और हाई बीम ऑन होने के बाद कुछ इस तरह से, और इसका टर्न इंडिकेटर भी आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब मैं इसके रियर सेक्शन को भी दिखा देता हूँ और रियर सेक्शन का भी टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरह से दिखेगा और इसका टेल लाइट कुछ इस तरह से दिखेगा। साथ ही साथ नंबर प्लेट पे भी लाइट जो ग्लो कर रहा है उसे भी आप देखो, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इसकी लाइटिंग। दोस्तों इस बाइक को आप 40 से 50 के स्पीड में आप चला सकते हैं, हालांकि 40 तक ही सजेस्ट किया जाएगा और सिटी के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है। दूर के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन सिटी के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है। अगर आप सिटी में रहते हैं और कहीं इधर उधर अगर आपको मार्केट में जाना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब इसके प्राइस की बात किया जाए तो यहाँ पे BH जो है सिवान में इसका जो प्राइस रखा गया है वो 96,500 रुपये रखा गया है, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक है, इसमें किसी तरह का आपको फ्यूल का एक्स्ट्रा खर्च नहीं लगता। तो एक बार रिशु भैया को सेवा का मौका ज़रूर दें और यहाँ से जो है ई बाइक की कोई भी अपनी मनपसंद स्कूटी अपने घर ले जाएं। और हाँ, जाते जाते अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पर कुछ इसी तरह के बाइक्स रिव्यू वाले वीडियोज़ आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।